और लाइक आ चुके उसी भूतिया औरत के दोबारा से घर में, जिसका नाम है ग्रैनी। तो इसीलिए आज हम खेलने जा रहे हैं ग्रैनी चैप्टर 1। चलो देखते कितनी तगड़ी भसड़ होने वाली है इसमें। राइट, तो हमारे यहाँ पर लौंडा उठ रहा है और आज इसको मेरा बदला लेना है। और चलो यहाँ से फटाफट निकलिए, उसके तो ड्रॉअर चेक कर लेते हैं। हमेशा इधर कुछ मिलता तो है नहीं, बट आदत से मजबूर है तो क्या करें। तो चलो यहाँ से फटाफट निकलते हैं। एंड कवर्ड में तो कुछ रखती नहीं है, छुपने की जगह बना रखी है। एंड नीचे से ही आती है हमेशा, तो ये वाला गेट खोल के पहली बार चेक करते हैं। और आज हम कार स्केप करने वाले हैं, तो फटाफट यहाँ से चलो यार कार स्केप करने वाले थे और बैटरी मिल चुकी है। चलो ड्रॉअर चेक कर लेते फटाफट से। एंड अभी ग्राइंड नीचे से ही आएगी, तो यहाँ पर मैं बैटरी मिल गई, तो याद रखना मैं बैटरी नीचे। ओके, कटिंग प्लायर भी मिल चुका है। एंड ओ ओ अबे 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 कहाँ से भाई, कहाँ से भाई, कहाँ से आ गई भाई। ओके, तो चलो वाली गलती दोबारा नहीं करते हैं, फटाफट यहाँ से हमने कटिंग प्लायर यहीं पे गिरा था। एंड यहाँ वाला ड्रॉअर चेक कर रहे थे, तो ओके वो रही ग्रैनी भाई आ गई, आ गया भाई, बैड के नीचे छुप जाओ छुप जाओ छुप जाओ भाई 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 भाई, भाई देखना ले भाई, ऐसे की तैसी कर देगी। ओके भाई लौट जाओ, वापस लौट जाओ। ओके कटिंग प्लायर उठाते हैं हम यहाँ से। एंड यहाँ पे वो लौट के साइड में चली गई है, और यहाँ पे ग्रैनी का पीस पड़ा है और आवाज़ हो गई भाई आ गया, आ ना जाए प्लीज़ 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 आ मत जियो। ओके, तो यहाँ पे ये वाला ड्रॉ खोल लिया। ओके, ये वाला ड्रॉ खोल लिया। एंड स्पार्क प्लग भी मिल गया, तो चलो काम की चीज़, दो चीज़ें काम के तो मिल चुकी है। और यहाँ पे शॉट गन का पीस पड़ा हुआ है, आज लगता है भाई भगवान हमारे साथ है। और भाई आज तो पक्का गेम पूरी होकी रहेगी। एंड गैडी का टैडी एंड क्रिंच प्लायर, ये पता नहीं भाई मुझे कहाँ लगता है, बट ये तो पता है कि ये कहाँ मिल गया, ये कहाँ लगेगा। तो इसको मैं उठाता हूँ। एंड पहले सबसे पहले आवाज़ करते हो, देखो आवाज़ हुई थी ना भाई, आ गई आ गई आ गई आ गई। ओके, तो भाई जान दो अब भाई, एक बार जाने दो ना उसे। ओके, जा रही है। अब नीचे भगेंगे हम, और यहाँ पे ये वाला गेट चेक कर लेंगे जब तक। ओके, यहाँ पे एक सीक्रेट सा दरवाज़ा होता है भाई, खुल जाए, कब खुलेगा। ओके खुल गया, ओके खुल गया। पहले ये वाले सब कुछ चेक करते हुए चलते हैं। एंड इलकल को भी रिस्क नहीं लेना भाई, हमारा एक डे वेस्ट हो चुका है, वो मात्र 4 दिन रह गए हैं। और यहाँ पे भाई जब कुछ होता ही नहीं है तो बना क्यों रखा है तुम लोगों ने भैंचो, मतलब। ओके, तो हम नीचे बेसमेंट तक आ चुके हैं। एंड यहाँ पे भाई ऊपर की तरफ है, तो फटेक से मैं जाता हूँ और एक पीस को यहाँ पे रख लिया है, और एक पीस वहाँ पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो ओके, तो वाला पीस सिर्फ सिंपली मुझे उठा कर रख देना है। एंड शॉट गन का पार्ट, ओके तो यहाँ पे शॉट गन का पार्ट यहाँ पे लगा देता हूँ। एंड भाई आखिरी पार्ट चाहिए, तो यहाँ पे ग्रैनी आती होगी, और यहाँ पे इंजन का पार्ट लगा है, स्पार्क प्लग है, बैटरी है। ओके, पैडलॉक की चाहिए और कार की चाहिए। ओके, आज भाई आज के डेट में आज पक्का कर ही देंगे, पक्का हो जाएगा। और यहाँ पे भाई मुझे आवाज़ लग रही है, आ रही है। उतने में भाई मैं सामने वाला गेट चेक कर लूँ, रिक्स ले लूँ। चलो रिक्स ले ही लेते हैं फटाक से। एंड चेक कर लेते हैं, ओके आ नहीं रही। तो यहाँ पे हमेशा इधर कुछ है ही नहीं, भाई रखा क्यों है भाई, बना क्यों रखा है ये कमरा, भाई ये घर, ये पता नहीं घर है कि हवेला है, पता नहीं इतना बड़ा है ये। एंड यहाँ से भाई मैं निकल चुका हूँ, वो क्रैम 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 प्यार लगा के रखती है भाई भी। होल्ड करो, अरे होल्ड, हो जा। ओके भाई, ये ड्रॉअर चेक करो भाई, फटाफट ये वाले ड्रॉअर चेक कर लेते हैं। एंड भाई अभी तो पिटने गए। ओके नहीं, मुझे सुनाई दे रही थी कुछ आवाज़, एंड उसने भाई देख लिया। ओके भाई नीचे छुप गया हूँ, होप सो उसने देखा ना हो, एंड निकलने का मौका दे दे हमें यहाँ से। तो भाई पीछे तो मुड़ गई है, ओके पीछे मुड़ी है तो शायद जीने पे जाएगी। और ओके भाई थोड़ा वेट करना ही पड़ेगा, यहाँ पे खड़े होकर वेट तो करना ही पड़ेगा। ओके भाई दिख नहीं रही, लग नहीं रही है कि है, तो चलो सबसे पहले किचन भी चेक कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर जाकर किचन चेक करता हूँ फटाफट से मैं। एंड यहाँ पे ये पहला ड्रॉअर, भाई ड्रॉअर ही समझ नहीं आता मुझे तो। ओके, इसमें कुछ नहीं है। ओके आ तो नहीं रही ना। ओके, ये वाला भी नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, तो है किस में ये बता दो बस मुझे, कुछ है ही नहीं तो रखा क्यों भाई, ड्रॉअर बना के क्यों रखते हो भाई, कन्फ्यूजन करने के लिए क्या। एंड इसमें मैंने सुना है कि उसका एक मतलब स्पाइडर आ चुका है, मतलब उसकी बहन आ चुकी है, और उससे भी भिड़ी लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें शॉट गन का पार्ट मिल गया है, अब ग्रैनी को बस थोड़ा चकमा देना है। और फाइनली ऊपर है ग्रैनी। भाई ये क्या क्रैम्प लगा के रखती है, नहीं भाई होल्ड, भग जा भाई, चलो फटाक से नीचे चलो, नीचे चलो। एंड नीचे चलते ही हम यहाँ से साइड मुड़ते हैं। ओके, फ्यूल भी मिल चुका है, फ्यूल बैटरी और कटिंग प्लायर और क्रेंच वायर जो भी था वो मिल चुका है सब। ओके, शॉट गन को फटाक से पहले गन बना लेते हैं। ओके, गन उठाओ
एंड लोड करो लोड करो लोड करो 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 लोड लोड करो लोड करो। अब साड़ी के भाई सर में ही देंगे गोली पर टैक से हेड शॉट। तो ओके तो यहाँ पे ये वाला गेट खुल गया है तो इसमें तो कुछ होता नहीं। कार की ओके कार की और पैडलॉक की रह गई है और कार का इंजन रह गया, तीन चीज़ें रह गई हैं, बाकी की फ्यूल व्यूल तो मिल गया है। ओके भाई उतनी देर में जितने मैं बता रहा था उतने भाई गैनी का तो काम बच गया। तो यहाँ से पहले गोली उठाते हैं एंड सेफली खेल रहे भाई। गोली उठाई, गन को यहाँ छोड़ो, अब चलो भाई फटाफट और चीज़ें ढूंढते हैं, ढाई सेकंड है हमारे पास। ओके हट जा हट जा भाई हट 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 जा हट जा। तो चलो यार फटाफट यहाँ से फ्यूल उठाते हैं सब, जाके पहले नीचे जमा कर देता हूँ। ओके तो इसकी लाश यहाँ पड़ी हुई है। ओके तो यहाँ पे फ्यूल डलेगा क्या? नहीं डलेगा भाई। गन उठा लिया मैंने, ऊपर वाले फ्लोर पर आ चुका हूँ एंड यहाँ पर इसका इसमें शायद कुछ होता है बट आ नहीं है, पता नहीं कहाँ रखा है। ओके ग्रैनी इतने में जग के आ चुकी है बट मैं अपनी गोली वेस्ट नहीं करूँगा, नीचे उतरूँगा यहाँ से। नीचे उतरने के बाद इसमें भी टॉयलेट में इसमें इसमें कुछ नहीं आती ही होगी, देखने ले। तो यहाँ से हम चलो इस नीचे की तरफ चलते दोबारा एंड यहाँ पे भाई इस पर निशाना लगाते हैं एंड हमें एक ट्रैप मिलेगा और शायद एक लकड़ी पड़ी हुई है वो पता नहीं कहाँ काम आएगी। तो इस पर भाई निशाना तुम्हारे भाई का एक नंबर है। तो यहाँ पे मैंने निशाना लगा लिया है एंड ग्रैनी पक्का 100% आएगी और वो ट्रैप मैंने यहाँ पे बिछवा दिया है। ओके तो ये जो ट्रैप है ना भाई काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्रैप है, इसे बोलते हैं फ्रीजिंग ट्रैप। इसमें जैसे आप लगा दोगे ना भाई इसके हज़ार टुकड़े हो जाएंगे एंड ये ढाई सेकेंड के लिए फ्रीज़ हो जाते हैं, ढाई या एक दो मिनट के लिए फ्रीज़ हो जाती है। तो ये फ्रीज़ हो गई है तो यहाँ पर भाई जब तक मैं और छानबीन कर सकता हूँ एंड यहाँ पर इसकी फ़ोटो वोटो पड़ी है। ओके इसके लिए तो भाई हैमर चाहिए तो वो तो अभी है नहीं। ओके तो ऊपर चलते हैं और ऊपर कुछ छानबीन करते हैं, ऊपर कुछ मिल जाए शायद हमें तो भाई काम हो जाएगा अपना अच्छा खासा। भाई स्पार प्लग ये रहा तो भाई इसको मैं ले जा के नीचे फेंक देता हूँ। तो ओके जब फटाफट कुछ काम होगा ना तो नीचे फेंक देता हूँ स्पार प्लग ले जाता हूँ, बैटरी को नीचे आके यहीं पर डाल देता हूँ कि फटाफट जब जैसे ही अगर सब सामान मिल जाएगा तो हम डिलीवरी कर सकते हैं। तो यार मैंने यहाँ पे बैटरी देखी थी, बैटरी कहाँ है? ओके तो यहाँ पे एक गेट खुलता है मिस्ट्री सा, उसमें पता नहीं उसकी बहन लटकी है कि उसकी मम्मी लटकी है और यहाँ पे कुछ लगेगा और ये हमें कुछ दे देगी। तो शायद यहाँ पे एक डायरी लगती है या ग्रैनी की इमेज, आई डोंट नो व्हाट इंसर्ट ओवर हियर बट या आई थिंक यहाँ पर डायरी लगती है। तो डायरी ढूंढनी पड़ेगी हमें और इतने में हमें ग्रैनी का पीस पीस मिल रहे हैं तो इसको शायद ये नीचे बेसमेंट में शायद होता है तो इसको वहाँ पे ले जाते हैं एंड ग्रैनी की यहाँ पे नहीं लगेगा भाई, गलत जगह से इंसर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे नहीं लगेगा, इन्हें पेंटिंग चाहिए। तो यहाँ पे भाई मुझे लगता है वो डायरी ही लगेगी और डायरी पता नहीं कहाँ है तो डायरी को मैं ढूंढ के लाता हूँ रह के। ओके मैं क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूँ भाई इसमें, यहाँ से सारा फाइनली मैं गन उठा लिया, नीचे की तरफ दोबारा आ चुका हूँ यहाँ पे वो फ्रीजिंग वाला ट्रैप लेने के लिए क्योंकि वो ट्रैप बहुत काफ़ी ज़्यादा खास है कि उसको बार बार रिन्यू कर सकते हैं। तो मैं एक बार फ्रीजिंग ट्रैप दोबारा लगाता हूँ जैसे ग्रैनी आए क्योंकि भाई ग्रैनी में एक शौर वो उठ चुकी है एंड डंडा मैंने अपने हाथ में रख लिया, अगर ज़्यादा बोलेगी तो दे दिया जाएगा बट चलो भाई इतना चलती तो भाई तो पता नहीं कहाँ होते हैं बट कोई बात नहीं। यहाँ पे ट्रैप लगा चुके हैं, डंडा हाथ में अपने एंड यहाँ से ऊपर चलो। ओके यहाँ से तो नहीं जा सकते एंड ग्रैनी आती ही होगी भाई, आ नहीं रही, थोड़ा निकल के दे। ओ और भाई और भरे भरे भैया, अरे भैया भाई सही खेल दे रही है भाई, सही खेल जा रही है भाई, जब देखो तो आ नहीं रही और जैसी देखो तो पहल जा रही है भाई, सही खेल जा रही है आज तो ग्रैनी भाई, सब सामान मिल गया भाई, कुछ की ज़रूरत नहीं है बट तब भी आज सही खेल जा रही है। ओके तो यहाँ पे ये कटिंग प्लायर मिल चुका है और रेंच है, पता नहीं कहाँ लगेगा कटिंग प्लायर, पता नहीं कहाँ काम आएगा, शायद बिजली काटने का काम आता है तो इसे नीचे ले चलते हैं। और गैन तो उठ चुकी है तो भाई उसे कन्फ्यूजन तो करना ही पड़ेगा और यहाँ पे मैंने गिरा दिया है और यहाँ पे अपनी पहले गन उठा लो भाई, इसको गोली रीलोड करो। तो गोलियाँ शायद यहाँ नहीं मिलेगी, नीचे की ही तरफ होगी। तो यार सबसे पहले मैं दौड़ते हुए अपना फ्रीजिंग ट्रैप ले आऊँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी वो फ्रीजिंग ट्रैप है वरना उसके कारण तो यार मतलब गोलियाँ तो लिमिटेड ही हैं, फ्रीजिंग ट्रैप मिल जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा सही होगा। तो मैं उसको पहले ट्रैप से मारता हूँ और डंडा करीब रखता हूँ। तो ओके आ जा थोड़ा सा आगे आ जा प्लीज़ 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 थोड़ा सा आगे आ जा। ओके फ्रीज हो चुकी है, ओके हो चुकी है, इसके हज़ार टुकड़े हो गए भाई, ऊपर से देखो कितनी डरावनी सी लगती है भाई। और यार लिटरली गेम बहुत ज़्यादा बड़ी है भाई, मुझे पता नहीं था ये इतनी ज़्यादा बड़ी है, पिछली बार खेला तो भाई सामान जल्दी मिल जाता बट आज तो कुछ मिल भी नहीं रहा, तीन चीज़ों के अलावा कुछ मिला ही नहीं अभी तक।
अब पता नहीं ऐसे में क्या होगा भाई, गेम वैसी लंबी खिंचती जा रही है। तो गाइस यार प्लीज पेशेंस बना कर रखो, एंड वीडियो पूरी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी आए पहली बार अगर पसंद आए चैनल तो सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पे मैंने गन उठा लेता हूँ एंड बैटरी और स्पार्क प्लग हमने नीचे फेंक दिया, तो यही सब ध्यान में रखना और मुझे कमेंट्स करके बताते रहना, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ तो बताते रहना कि हमारे से कौन सी चीज़ें नीचे नीचे पड़ी हुई हैं। एंड यहाँ पे भाई मैंने आवाज़ कर लिया, अब ग्रैनी को भटकाना तो है ही, और मैं उस तरफ से घूम के मैंने गोली रिलोड कर रखी है। ओके तो मैंने गोली रिलोड कर रखी है। ओके ग्रोनी भाई ग्रैनी को मैंने लहरा दिया है, एंड ऊपर की तरफ चलते हैं भाई, फटाक से ऊपर चलो, चल 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 ऊपर चलना ना। ओके तो यहाँ पे भाई यहाँ पे एक बॉक्स है, कुछ नहीं है इसमें, तो ओके ठीक है कोई बात नहीं है तो ढूंढ लेंगे। और यहाँ पे मैंने शायद चेक कर चुका हूँ ना, एक बार और चेक कर लेता हूँ, कुछ है नहीं। और यहाँ पे दो नंबर, पता नहीं क्या लिखा है दो नंबर। यहाँ पे भाई एक ग्रैनी का पीस पड़ा हुआ है, पीस ऑफ पेंटिंग। ओके तो अभी तो ग्रैनी जगी नहीं है। और यहाँ क्या लगेगा भाई, यहाँ पे लगेगी स्पाइडर की। ओके ओके इंजन का पार्ट यहाँ पड़ा हुआ है, तो ओके तो इंजन के पार्ट को भाई याद रखना, इस इंजन के पार्ट को ले जाकर मैं नीचे फेंक देता हूँ। ओके 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 इस तरह से लेफ्ट लेफ्ट, और यहाँ पे इंजन का पार्ट पड़ा हुआ है, याद रखना भाई इंजन का पार्ट कहाँ पड़े हुए हैं सारे। एंड यहाँ से अपनी गन उठाओ, गोली को रीलोड करो भाई, जगती होगी, तीन गोलियाँ यहाँ पे भाई, ये भी याद रखना कि तीन गोलियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं। एंड यहाँ पे कुछ नहीं है, टीवी चालू नहीं है। एंड इस कवर्ड में क्या रखा हुआ है, इस कवर्ड में बुक रखी हुई है, शायद ये वही बुक है जो उस ग्रैनी की मम्मी के पास लगेगा। एंड ऊपर चलते हैं फटाक से ग्रैनी की मम्मी के पास। तो यहाँ से भाई मैंने पूरी तबाही मचा रखी है घर में भाई, उसकी ऐसी की तैसी मार दी। तो यहाँ पे भाई मैंने डाल दिया, ओके ये छूट गई। एंड कुछ देगी क्या, बुक तो खुल गई है, पता नहीं क्या लिखा है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है बुक में, बट या इवन तो इसने कुछ दिया तो नहीं, बट पड़ी हुई है साइड में और कुछ पता नहीं भाई। चलो थोड़ी देर में आके देखते हैं, और ग्रैनी इतने में जग गई होगी, तो यहाँ से जाकर सबसे पहले गन उठा लेता हूँ फटाक से नीचे जाके। तो गन उठाओ गन उठाओ, गन का बड़ी थी भाई, कहाँ थी, इधर इधर, ये गन मिल गई। अब हाथ करके उस तरफ पहुँच जाते हैं, एंड वहाँ पर कुछ छाया भी नहीं करते हैं। और यहाँ पर शायद मैंने सुना है एक पैंडल सा लगता है साइड में, और उसको स्क्रो करते ही हम पहुँच जाएंगे कहीं और। तो यहाँ पर तार बिछा रखी, जैसे तुम इसको क्रॉस करोगे ना भाई आवाज़ करने लग जाएगा, तो मेक श्योर जब भी आओ तो आराम से आना, इससे बचते बचाते। और यहाँ पे भाई हैंडल लगेगा, अब ये हैंडल कहाँ मिलेगा पता नहीं भाई, क्रेंच पता नहीं कहाँ लगेगा वो भी नहीं पता, पता नहीं कोई सी चीज़ मुझे पता ही नहीं है, खेल क्यों रहा हूँ मैं इस गेम को पता नहीं, छोड़ो। तो यहाँ पे हटाओ इन सारी बातों को बकवास की, और यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, तो है कहाँ कुछ है? ओके सुरंग पता नहीं कहाँ जाएगी, सुरंग से तो भाई डर लग रहा है कुछ आग ना निकल जाए। ओके तो ये सुरंग नीचे की तरफ जो दो बॉक्स रखे थे ना, ये वही वाली सुरंग आके मैच हो गई। अब ग्रैनी को मैंने यहाँ बुला लिया है, अब ग्रैनी को मैं पी लूँगा, बस मैं ग्रैनी को पी ही रहा हूँ, कुछ कर तो रहा नहीं हूँ। चलो यार, और यहाँ पे मैंने वायर, तो कटिंग प्लायर से वायर काट देता हूँ मैं। तो यहाँ पे पहले कटिंग प्लायर कहाँ था, उस तरफ था कटिंग प्लायर, तो कटिंग प्लायर उठाओ फटाफट और वायर काटो, काटो वायर। तो ओके कटिंग प्लायर उठाया मैंने और वायर काट दिया, तो खड़े हो जाओ यहाँ पे, खड़े हो जाओ जवान, और कटिंग प्लायर से वायर काट दिया। अब होगा क्या, शायद ये गेट वाला हो जाएगा, तो गेट वाला भी हो जाए तो भाई मैं उसमें ही खुश हूँ, क्योंकि मैंने आज तक कभी इस गेम को पार नहीं करा है, तो भाई गेट वाला ही हो जाए तो उसी में खुश हो जाएंगे अपन तो। तो ओके पेंटिंग गिरा दी, कुछ हुआ तो है नहीं, और गोली रिलोड है, बस ग्रैनी आ जाए, मैं तो ग्रैनी को मारने में लगा हुआ और कुछ कर भी नहीं रहा। आप लोग भी बोर हो रहे हो गए, तो चलो यार ब्रेक लेके देख लेना, पर देख लो पूरा, देख तो क्या होता है। ओके तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, डोल रहा हूँ कट लगवा रहा हूँ। एंड यहाँ पे कुछ तो है गोल सा, समथिंग लाइक गोल बूटी, तो ये शायद ये ऊपर वाले कमरे में लगेगा। एंड ग्रैनी को मैं यहाँ उतर रही है वो यहाँ पे, तो यहाँ पे भाई वेट करते हैं, वो नीचे पक्का आती होगी और मारेगी हमें। हमारे दो दिन वे तीन दिन रह गए हैं, लास्ट थ्री डेज हैव, एंड ये आ गई है। ओके 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 मैं इसे पेलूँगा। ओके नहीं हो भाई, मैंने मारा क्यों नहीं, गोली दबी नहीं मेरे हाथ से, पता नहीं क्या हो गया मुझे उस पीरियड में, भाई गोली दबनी थी दबी नहीं, चौथे दिन में पहुँचा दिया भाई इसने, मार गया हमें भाई भाई कब तक।
उठ भाई उठ भाई, पूरी लाल लाल कर दी है इसने मार मार के हमारी। ओके तो फिर से हम भागेंगे भाई फिर से भाई। देखो यार डिमोटिवेट नहीं होना, कोई बात नहीं, हार गए तो हार गए, बट ट्राई नहीं छोड़ना भाई, अपना फुल ट्राई करते रहना है। तो वो जो गन है भाई मैंने उठाई, से पहले बंदूक उठाओ और गोली रिलोड करो। इसके सामग्री अभी ढूंढता हूँ, अभी इसमें गोली भाई रिलोड है तो सामग्री तो तैयार है, बस ग्रैनी को अब यहीं बताऊँगा, इसने यहीं मारा है तो उसे यहीं पे लूँगा मैं अभी। तो सामग्री तो तैयार है बट आने वाली है अम्मा, तो ओके अम्मा को बनाएंगे हम गम्मा। ओके तो चलो आजा ग्रैनी, कहाँ है ग्रैनी, कमिंग अलोन। ओके काने काने में पेल दिया रे मैंने। ओके तो ये तो ऊपर लगेगा। ओके तो यहाँ से एक बार और चेक कर लेते हैं, कहीं छूट तो नहीं गया हमसे कुछ, और हमें दिखाना हो तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं फटाक से। चलो चलो फटाक से चलते हैं ऊपर, तो यहीं पड़ी रहे, मैं ऊपर चलता हूँ। यहाँ से लेफ्ट, यहाँ से राइट, यहाँ से फॉरवर्ड, लुकिंग फॉरवर्ड, गेट खोल दो, अगर आ जाएगी तो भगने के लिए काम आएगा। तो ओके तो यहाँ से ऊपर, यहाँ से ये बता नहीं इसके बड़ू को गिरा दो और यहाँ पे ये गेट पे लगा दो एंड चालू कर दो एंड मैजिकल, देखो मैजिक। अब यहाँ से हम ऊपर चलते हैं, ऊपर चलने के बाद हमें यहाँ पे तो कुछ मिला नहीं, गोटियाँ ही मिली हैं, एमओ ही मिली है, उसके लिए शॉर्ट गन चाहिए और कुछ पड़ा है क्या। और यहाँ पे शायद मैं सुना इसके कबूतर वबूतर रहता है, बड़ा ख़तरनाक कबूतर है। चलो भाई यहाँ तो कुछ नहीं मिला है, पोपट हो रहा है यहाँ पे, तो टाइम पे टाइम वेस्ट हो रहा है और वीडियो लंबी खिंचती जा रही है। तो यहाँ पे मैंने ट्रैप उठाया, ग्रैनी को बुलाया, पहले ग्रैनी को फीस करते हैं भाई। गोलियाँ बिल्कुल नहीं बची है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ गोलियाँ हैज़ बीन देयर, तो डेट आई एम यूज दिस ट्रैप एंड टू मेक अ फूल ऑफ द ग्रैनी। तो चलो तो यहाँ पे ग्रैनी आ चुकी है, अब इस ग्रैनी को आगे बुलाता हूँ। और आगे बुलाने का सिंपल सा ट्रिक होता है कि बंदूक फेंको, ग्रैनी वापस आइए। ओके ग्रैनी की हथियार पीस कर देंगे हम, कंडिया तोड़ देंगे ना मार मार के। तो यहाँ पे मुझे ना यार स्पाइडर की मिल चुकी है, ऊपर से मैं स्पाइडर की लाया हूँ, अब स्पाइडर की कहाँ लगेगी मुझे याद है, यहाँ पे एक सील सा बॉक्स है, अब स्पाइडर की से शायद कहाँ पे रास्ता खुलेगा। ओके यहाँ पे कुछ तो खुला। ओके भाई ये कहाँ आ गया हूँ मैं, कहाँ आ गए हैं हम, और ओ ओ ओ एक लेवल और नीचे भाई, इतना बड़ा घर है क्या इसका, लिटरली इतना बड़ा घर किसी का होता है क्या भाई, गोदाम के अंदर गोदाम, गोदाम के अंदर गोदाम, चुदाम भाई यहाँ पे। ओके भाई भूल भुलैया मैं नाच रहा हूँ मैं। ओके 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 भाई क्या गया इतनी तेज़ी से गया यार, बहुत तेज़ी से गया, पता नहीं क्या चीज़ है वो भाई, पीछे पड़ गई तो भाई फाड़ देगी वो तो अपनी। ओके यहाँ पे बॉक्सेस बने हुए हैं, ताला वाला तो नहीं लगाना है ना। ओके भाई खाली पड़ा है, शायद हमें यहाँ पे कुछ सामान मिल सकता है। तो ओके तो भाई बड़ी तेज़ से सामान गया, एंड ये सीढ़ी कहाँ से जा रही है। ओके ओके तो भैया यहाँ पे भाई कीड़े रेंग रहे हैं और तो कुछ नहीं है, और तो नहीं लेफ्ट टू राइट एंड 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 सीधा से सीधा। ओके 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 भाई भाई ये क्या है, ये वही तो नहीं है स्पाइडर बेबी, उसकी बहन है छोटी सी, पता नहीं क्या है ये, अलग ही आइटम है भाई। भाई ये तो सही में मार लेगी आज तो अपनी, सही बता रहा हूँ भाई, लिटरली बता रहा हूँ तुम लोगों को भाई, इससे बचना पड़ेगा भाई। और भाई जैसी देख रही हो वैसी आ जा रही हो भाई घोंसड़ी की। भाई यहाँ से इसको पीस मीट ऑफ पीस मैंने ले लिया है एंड 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 भाई पीछे पड़ी पीछे पड़ी पीछे पड़ी पीछे पड़ी। ओके 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 जगह ही नहीं है भाई, कहाँ से। ओके 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 ये क्या ओ एलिवेटर जल्दी जल्दी घुस बंद कर आगे भुसड़ी के आगे ओ टोट ऊपर। ओके यहाँ तीन बॉक्स है एंड ओके ओके बटन दबाना पड़ेगा वरना ऊपर पहुँच जाऊँगा ज़्यादा। ओके 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 तो यहाँ पे गेट कैसे खुलेगा, ओह खुल गया। ओके और यहाँ पे इसमें क्या है, हैंडल। ओ ये क्या हुआ, ब्लास्ट, ये क्या मिनी सा ब्लास्ट था भाई, अलग ही आइटम है भाई, क्या था ये मिनी सा ब्लास्ट हुआ एंड देन भाई यार क्या कहूँ मैं। ओके फिर से आ गए नीचे बेसमेंट में, ग्रैनी को फंसाएंगे और ग्रैनी की तोड़वाएंगे थोड़ी। ओके तो यहाँ पे ग्रैनी पास आओ ना पास आओ ना।
चलो यहाँ से भाई अपनी गन उठा लो भाई, इसमें गोली गोली रिलोड गोली है, तो चलो यहाँ ऊपर चलते हैं। एंड यहाँ पे हम फिर से उसी लोकेशन पे जाने वाले हैं। ओके ओके ओके, फिर से लोकेशन पे जा रहे हैं हम उसी लोकेशन पे। एंड यहाँ से हमारी टंगड़ी तोड़ दी जाती है, और भाई यार बेसिकली वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक थी भाई, मुझे लगता नहीं था कि वो ऐसी होगी, बट काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक थी। एंड यहाँ पे भाई मुझे शायद समथिंग कुछ मिला है, क्रोम सा मिला है, तो हमारे नीचे काम आएगा, तो मैं उसे नीचे फेंक देता हूँ उठा के। एंड ऊपर मैं जा नहीं सकता, अब मुझे जाने के लिए भाई नीचे रास्ता ढूंढना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैं इसको उठा देता हूँ, क्रो पता नहीं क्रो व्हील था, क्रो व्हील शायद, हाँ इसको नीचे फेंक दिया है, अब पता नहीं कहाँ लगेगा, देख ली जाएगी। एंड भाई आखिरी दिन चल रहा है, और अपनी बंदूक उठाओ, अब उसकी बहन आएगी ना भाई, तही मैं पेल दूँगा मैं तो भाई, रुकूँगा नहीं, रहम ही नहीं करूँगा भाई, बिल्कुल रहम ही नहीं करना भाई ज़िंदगी में, अब तो सीधा पेल देना भाई। भाई इतना मैंने कहा भाई छोड़ देगी बेचारी, मैंने कुछ कहा है तुझे, छोड़ दे घर से, रहम ही नहीं करना भाई, अब तो बंदूक ही दूँगा सीधा। आजा आजा बंदूक उठाता हूँ, आवाज़ कर दी है, आजा आजा अब आजा, लगता है ये आवाज़ से नहीं आती, ये बंदे देख के आएगी, आजन दे नो मैटर्स। ओके तो कहाँ है तू, कहाँ है तू, तुझे मैं ढूंढ रहा हूँ, तुझे मैं ढूंढ रहा हूँ, तेरा पापा हूँ मैं, पापा हूँ मैं, कहाँ है रे। ओके 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 ओके, ओ भाई ओ चली गोली भाई, क्या भयानक तरीके से खा रही है भाई। भाई लिटरली मैंने गोली चलाई थी यार, तुमने आवाज़ भी सुनी होगी, इस वीडियो को रिवाइंड करके देखो दो बार, मैंने लिटरली गोली चलाई थी और उसके भाई कुछ हुआ ही नहीं। अगर वो मर जाती भाई तो मुझे है थोड़ा सा टाइम मिल जाता और मैं इसको पार कर देता भाई। चलो भाई कोई बात नहीं, डीमोटिवेट नहीं होते। तो गाइस आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नहीं पहले ग्रैनी का देखते हुए जाओ क्या करती है हमारे साथ। ओके इसका ग्रैप्टा पड़ा और एक डाइव लगाई, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए बाय बाय।